हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एंचेंट्रेस में आपकी होस्ट, आप सभी का मेरे चैनल पर दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आपके पर्सन की करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स आपको लेकर क्या कहती हैं, आज का शिफ्ट आप सभी के लिए क्या कहता है, यही हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर, और इस चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का दिल से वेलकम है। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं कार्ड्स की तरफ कि क्या एनर्जीज अपीयर हुई हैं आप सभी के लिए। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो, द मून, पेज ऑफ अर्थ एंड द चैरियट। यहाँ पर द मून वाली एनर्जीज आपके पर्सन की हो सकती है। आपके पर्सन अभी आइदर आपके साथ एक सेपरेशन में होंगे, या फिर ये आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे होंगे, ये अपनी ही दुनिया में शायद कहीं खो गए हैं। दे आर इन टू द इल्यूजनरी वर्ल्ड, ऐसा कह सकते हैं ना कि अगर मटेरियल वर्ल्ड पर ये बहुत अच्छा भी कर रहे हैं तो ये वहाँ पर खुश नहीं है। अगर इनकी फैमिली लाइफ या करियर लाइफ बहुत अच्छे से ग्रो हो रही है तो तब भी ये शायद वहाँ पर खुश नहीं है। ये अपने किसी डीप कॉन्शियस में कई सारी बातों को सोच रहे हैं। इन्हें ये पता है कि कुछ तो कॉस्मिक लेवल्स पर, बहुत ही बिग लेवल पर चेंज हो रहा है, या फिर कुछ बातें ऐसी हैं जो इनके समझ के बाहर हैं, और शायद यही वजह है कि ये अपने 3D फ्रंट पर जितना भी कुछ सक्सेस प्राप्त कर लें, जितना भी कुछ अचीव कर लें, और इवन फैमिली लाइफ भी अगर इनकी बहुत अच्छी चल रही है, वहाँ पर भी बहुत सारा ढेर सारा हैप्पीनेस अगर ये देख रहे हैं, तो फिर भी इनके लाइफ में एक कमी सी इन्हें महसूस होती है, ख़ास करके इमोशनल लेवल पर। ये एक तरह से डिससेटिस्फाइड या बहुत ज़्यादा एक तरह से सैड एनर्जीज में है कि मुझे आखिर क्या चाहिए। इनका जो सबकॉन्शियस है वो ये बात जानता है कि इन्हें क्या चाहिए, लेकिन अगर ये अपने कॉन्शियस माइंड से सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे क्या चाहिए, तो शायद इनके पास आंसर्स नहीं होंगे गाइस। और यही वजह है कि ये इन्हीं सारी बातों को रिजॉल्व करने निकल पड़े हैं कि मैं अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा एक्सेल कर रहा हूँ या एक्सेल कर रही हूँ, बट फिर भी वो एक सेटिस्फैक्शन क्यों नहीं है, इतना डिसकंटेंटमेंट क्यों है मेरे अंदर, मैं फुलफिल क्यों नहीं हूँ। यू नो, ऐसा ही होता है ना कि जब आपके लाइफ में बहुत कुछ हैपनिंग हो रहा होता है और आप अपने लाइफ की एक बहुत ही ब्यूटीफुल मोड पर एक विक्टोरियस पर्सन की तरह शाइन हो रहे होते हो, लेकिन फिर भी अंदर खालीपन सा आपको महसूस होता है कि वो खुशी महसूस नहीं होती, तो आपका दिल आपसे पूछने लगता है कि अब इतना सब कुछ हमने अचीव कर लिया, तो अब और क्या चाहिए हमें जिसके वजह से हमारा एक इमोशनल फुलफिलमेंट हम लोग महसूस कर सकें। बट जैसे कि मैंने कहा, ये इस फैक्ट को कहीं ना कहीं जानते हैं, सबकॉन्शियसली जानते हैं कि इन्हें क्या चाहिए, ऐसी कौन सी बातें हैं जो अगर ये उस चीज़ की तरफ बढ़ते हैं तो ये शायद अपना वो एक इमोशनल कम्फर्ट या एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन हासिल कर लेंगे। ठीक है, जो इनका कॉन्शियस माइंड है वो बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड होगा, फैमिली ओरिएंटेड होगा, और ऐसा भी हो सकता है ना कि अगर ये अपने लाइफ के किन्हीं गोल्स को सेट करके बैठे हैं और जब तक वो पूरी तरीके से अचीव नहीं हो जाते, वो एक इंटरनल सेटिस्फैक्शन वैसे भी नहीं मिल रहा होता। तो आपके जो पर्सन है ना, एक तरह से मिक्स्ड एनर्जीज में बने हुए हैं, मिक्स्ड इमोशंस आई मस्ट से, कि कभी ये सैड है कभी खुश है। इनके लाइफ में बहुत कुछ चेरिश करने को अगर है भी गाइस, फिर भी ये खुश नहीं है, ये मैं एनर्जीज देख रही हूँ। अगर आपके पर्सन ऑल ऑफ अ सडन गायब हो गए हैं, अनअवेलेबल हैं, तो वजह यही है कि किन्हीं क्वेश्चंस के आंसर्स ये तलाश करना चाहते हैं, किन्हीं मिस्ट्रीज़ को रिजॉल्व करना चाहते हैं कि एक्चुअल में आपके पर्सन इतने इमोशनल रहे नहीं होंगे। इससे पहले ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल लेवल्स पर सोचा करते थे, और इनके लिए प्रैक्टिकल सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हुआ करती थी, लेकिन ये जब से आपसे टकराए हैं, आपसे मिले हैं इस लाइफ टाइम में, तब से ये जो पर्सन है एक तरह से मिस्ट्री को रिजॉल्व करने में लगे हैं कि आप जैसी पर्सनालिटी सच में एग्जिस्ट करती भी है क्या। तो शायद आपने इन्हें कई सारे क्वेश्चंस में छोड़ दिया है। अब इनको लगने लगा है कि इन्होंने जितना भी कुछ बनाया है या फिर इन्होंने अपनी लाइफ में जितना भी कुछ हासिल किया है वो भी इनफ नहीं है। ये एक ट्रिगरिंग मैं कह सकती हूँ
कई सारे ग्रुप ऑफ फेमिनिन्स ने अपने मैस्कुलिन्स को यहाँ पर ट्रिगरिंग दी होगी, जिस वजह से आपके मैस्कुलिन एक अनसर्टेनिटीज़ में चले गए हैं, बियॉन्ड इल्यूजन, ये शायद बहुत कुछ अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे होंगे। अब तक ये इल्यूजनरी लाइफ में जी रहे थे कि बहुत कुछ सक्सेस इन्होंने प्राप्त किया था, एक अच्छी हैप्पी फैमिली लाइफ इनकी रही होगी, लेकिन फिर भी वो खोखली लगती है, फिर भी इनकी लाइफ में बहुत कुछ खोखला सा लगता है। तो शायद आपके पर्सन एक तरह से क्वेश्चन आंसर्स में बने होंगे, बहुत कुछ सोच रहे होंगे और बियॉन्ड द इल्यूजन जाकर कुछ रियलाइज करने की कोशिश कर रहे होंगे। तो ये एनर्जी है आपके पर्सन की, और मतलब एनर्जी से लग रहा है कि ये आपके हायर लेवल सोलमेट हो सकते हैं या फिर ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन भी हो सकते हैं। तो आपकी एनर्जी ऑन द अदर हैंड यहाँ पर पेज ऑफ अर्थ की बनी हुई है। आपको पता है कि ये जो पर्सन है अपने डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहे हैं अभी, इन्हें आपने ट्रिगरिंग दी है तो आपको 100% पता होगा कि आपने इन्हें कहाँ पर छेड़ा है, कौन से ऐसी बातें आपने कही है कि आपके पर्सन इन एनर्जीज में चले गए, सीधे ये द मून वाली एनर्जीज में चले गए। तो आपने हो सकता है ये सारी चीज़ें आइदर जानबूझ कर की हैं, या फिर मैं ऐसा कह सकती हूँ कि यूनिवर्स ने आपको पुश किया इस स्टेप को लेने के लिए, मैं ऐसा कह सकती हूँ, यू नो। तो आपने जो भी किया वो एक तरह से डेस्टाइन था, आपसे कुछ ऐसी बातें या कन्वर्जेशंस के टाइम पर कुछ ऐसी बातें आपसे निकल गई होंगी जिसके चलते आपके पर्सन एक तरह के बहुत डीपेस्ट रियलाइजेशन में चले गए और बहुत कुछ ये समझना चाहते हैं कि आखिर मेरी जो फेमिनिन है या फिर ये जो पर्सन है ये मुझसे कहना क्या चाह रहे थे, मतलब क्या यहाँ पर एक सच्चाई जो छुपी हुई है, क्या ऐसा राज है, क्या मिस्ट्री है जो मुझे समझ में नहीं आ रही, जबकि मैं एक बहुत ही क्लियर पर्सन हूँ और मैं अपने गोल्स को भी बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करता हूँ या करती हूँ, मैं अपनी लाइफ की रियलिटी को भी बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करता हूँ या करती हूँ, लेकिन ये जो पर्सन है आउट ऑफ द ब्लू ऑल ऑफ अ सडन मेरी लाइफ में कहाँ से आ जाता है और मुझे इन सारी बातों की तरफ पुश कर रहा है जो एक्चुअल में मुझे पता ही नहीं है, यू नो। तो ऐसा कुछ आपने यहाँ पर किया है और आप बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो कि आपने जब कुछ डिसाइड किया है तो आप पीछे नहीं हटना चाहते यहाँ से, भले ही यहाँ पर कितना ही टाइम क्यों ना लग जाए। मैंने आपको कल से ही बताया है कि बहुत सारी ग्रुप ऑफ फेमिनिन्स एक मैनिफेस्टेशन जोन में बनी हुई हैं, बहुत कुछ अपने एंड पर ये इस तरह से बैलेंस कर चुकी हैं कि यू आर बीइंग दैट मैग्नेट, जो भी आप अट्रैक्ट करना चाहते हो वही आप अट्रैक्ट करने निकल पड़े हो। तो आप इस पर्सन की मिक्स्ड एनर्जीज या मिक्स्ड रिएक्शंस की वजह से बॉदर नहीं हो रहे हो, यू नो कि ये इनके साथ क्यों हो रहा है और शायद आप चाहते भी हो कि ये रियलाइज करें, इसलिए शायद आपने इन्हें ट्रिगरिंग दी होगी और आप अपने एंड पर बहुत ज़्यादा कामली आइदर इंतज़ार कर रहे हो या फिर मैं ऐसा कह सकती हूँ कि आप अपने राह पर बहुत ही डेडिकेटेडली फोकस वे पर बने हुए हो कि आप हारना तो नहीं चाहोगे यहाँ से, लाइक बैक ऑफ तो नहीं करोगे, पीछे तो नहीं जाओगे, 100% आप लाइक फॉरवर्ड ही चलते जाओगे। आपने रास्ता देख लिया होगा, आपने मंजिल देख ली होगी, और अगर आपके पर्सन ये बात नहीं समझ रहे थे तो शायद आपने इन्हें समझाने के लिए किन्हीं जेस्चर्स के थ्रू या फिर किन्हीं बातों के थ्रू इन्हें अंडरस्टैंड करवाने की ज़रूर कोशिश की है। तो फाइनली इट इज़ प्रोसीडिंग टूवर्ड्स द चैरियट एनर्जीज। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर आपके पर्सन इवेंचुअली अंडरस्टैंड करेंगे और द चैरियट टॉक्स अबाउट लर्निंग सो मेनी थिंग्स फ्रॉम द पास्ट। तो आप इन्हें बहुत कुछ सिखाने वाले हो यहाँ पर, यू आर बीइंग द टीचर हियर, और इस पर्सन के बहुत सारे डार्क शैडो एरियाज रहे होंगे जहाँ पर ये खुद को अंडरस्टैंड नहीं करते थे। तो आप इन्हें जो भी कह रहे हो या फिर जिस तरह से भी आप इन्हें इन्फ्लुएंस कर रहे हो, दे आर गेटिंग दैट पॉइंट, वो आइडिया इन्हें मिल रहा है कि क्या मिसिंग हो रहा था, कहाँ ये गलत जा रहे थे, क्या कमी है इनके लाइफ में। तो 100% यहाँ पर द चैरियट टॉक्स अबाउट दे विल लर्न, जो भी आप इन्हें सिखाना चाहते हो, या फिर इवन मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि अगर आप दोनों का सोल कॉन्ट्रैक्ट है कि आप यूनिवर्स की तरफ से भेजे गए हो इन्हें कुछ सिखाने के लिए, इनके कुछ लेसन्स अगर इस लाइफ टाइम में बच रहे हैं तो आप इन्हें ज़रूर मदद कर रहे हो इनके डार्क नाइट ऑफ द सोल से इन्हें हील होने में और बहुत कुछ इन्हें अंडरस्टैंड करवा रहे हो सोल लेवल पर, स्पिरिचुअल लेवल्स पर, है ना। तो ये चीज़ें हैं। तो इन सारे कार्ड्स को यहाँ पर क्लैरिफाई करते हैं टू नो मोर अबाउट द सिचुएशन। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं आप, डॉटर ऑफ वॉन्ट्स,
सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रिस्टेस, द हर्मिट, द टावर। तो ऑफकोर्स आपके पर्सन आपसे एक तरह से सेपरेशन में चले गए हैं। ये आपसे ही नहीं, मुझे लगता है कि ये सोशलाइजिंग करना इन्होंने छोड़ दिया होगा फॉर अ वाइल। ये अपने मैन केव या वुमेन केव में चले गए हैं, दे रियली डोंट वॉन्ट टू टॉक। और इनकी लाइफ में बहुत कुछ रिसेंटली एक ब्यूटिफुल वेज में इन्हें सक्सेस मिली है, लेकिन उस सक्सेस से ये खुश नहीं है, जो कि बहुत ही क्लियरली यहाँ पर नज़र आ रहा है। इन्होंने बहुत कुछ अचीव किया होगा आइदर करियर फ्रंट पर या फिर अपने फैमिली लेवल पर। इनके साथ एक बहुत ही ग्रेट लेवल पर कोई बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल इवेंट इनके लिए टर्न हुआ होगा, या फिर एक गुड न्यूज़ है इनके पास जिसको ये चेरिश कर सकते हैं, लेकिन दे आर नॉट एन्जॉइंग इट। और ये सीधे एक फाइव ऑफ पेंटिकल्स के एनर्जीज में चले गए हैं। दे आर जस्ट फीलिंग लेफ्ट आउट इन द कोल्ड। ये अकेला महसूस कर रहे हैं फॉर श्योर, और यही वजह है कि इन्होंने आपसे एक सेपरेशन ले लिया है। ये अगर ऑल ऑफ अ सडन आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो वजह यही है कि कुछ ऐसी बातें जो इन्हें अंदर तक शेकन अप कर गई, आपकी कुछ आइदर बातें हो सकती है, या फिर जनरल लेवल्स पर अगर ये भी कुछ रियलाइज कर रहे हैं, यूनिवर्स भी आपके बिहाफ में कुछ काम कर रहा है यहाँ पर। मान लो अगर ये आपसे वॉक अवे होकर कुछ अपने लिए करने की कोशिश करते हैं, तो यूनिवर्स इज पिंचिंग देम एवरी टाइम। ये शायद कुछ ऐसे साइंस देख लेते हैं, आपका नाम ये आइदर सुन लेते होंगे, या फिर आपकी कही गई कोई बात इन्हें ऑल ऑफ अ सडन याद आती होगी। अगर आप दोनों का म्यूजिकल कनेक्शन है तो कुछ लिरिक्स या म्यूजिक इन्हें सुनाई दे जाती होंगी, फिर ये आप ही को याद करते हैं। तो ऐसा कुछ इनके साथ बहुत ही ज़्यादा एक मिस्टीरियस वेज में टर्न होने लगा है, और शायद ये इस चीज़ को सेरेंडिपिटी मानते हैं। इनका हायर सेल्फ या इनका सबकॉन्शियस इन सारी बातों को जानता है, समझता है, लेकिन ये क्योंकि हो सकता है अनअवेकन पर्सन है, ये सोल लेवल्स पर शायद इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं होंगे, अवेकन नहीं होंगे, या फिर ये अपने इंट्यूशंस को इग्नोर करने वाले पर्सन होंगे, अपने ही ज़िंदगी में मगन रहने वाले पर्सन होंगे, अपनी सक्सेस को बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाले पर्सन होंगे, तो ऑफकोर्स स्पिरिचुअलिटी से ये दूर होंगे। ठीक है, तो अब शायद आप इन्हें पुश कर रहे हो स्पिरिचुअलिटी की तरफ, सोल लेवल्स की तरफ आप इन्हें पुश कर रहे हो कि ये अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट कर सकें, अंडरस्टैंड कर सकें कि रियलिटी क्या है, क्या ज़रूरी होता है एक ज़िंदगी में। ठीक है, तो मैंने जैसे कि कहा, यू आर बीइंग द हाई प्रिस्टेस हियर, आप इनके लिए एक टीचर हो, आप इनके लिए एक गाइड हो, गुरु हो, और आप इनके लाइफ के बहुत सारे डार्क पैटर्न्स से इनको हील कर रहे हो। फाइन, तो यू आर बीइंग द हीलर, और आपका इस तरह से बिहेव करना या फिर आपका इस तरह से इनके साथ कम्युनिकेट करना, ये डेस्टाइंड है गाइज, ये इनके साथ होना ही है, और शायद यही वजह है कि आप इनके तरफ इस तरह से बिहेवियर्स रखते हो। तो यहाँ पर ये आपके लिए किन फीलिंग्स में बने हुए हैं, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, डॉलर ऑफ पेंटिकल्स एंड सन ऑफ कप्स। तो इन्हें पता है कि आपके साथ इनका जो कनेक्शन है वो ऑलरेडी डेस्टाइंड है, लेकिन ये अपना एक स्वीट टाइम इसलिए लेना चाहते होंगे क्योंकि ये और इन सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। इनके लिए सच में ये एक बहुत ही ज़्यादा मिस्ट्री है, पजल है, एक पहेली है, आप इनके लिए एक पहेली हो, और शायद ये आपको अंडरस्टैंड करना चाहते होंगे, इसलिए शायद ये एक टाइम लेना चाहते हैं बिफोर जंपिंग इनटू एनी कमिटमेंट। यहाँ पर सन ऑफ कप्स टॉक्स अबाउट दे लव यू अ लॉट, और यहाँ पर ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स भी रखते हैं, और ऐसा मैं कह सकती हूँ ना कि इससे पहले इस तरह से इन्होंने किसी और के लिए फील भी नहीं किया था। तो शायद ये एक इनके लिए टैबू है कि इस कनेक्शन को एक तरह से कमिटमेंट में लेकर जाना इनके लिए पहले तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। आप दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस होंगे, जैसे कि कल्चर वाइज, रिलीजन वाइज, कंट्री वाइज मैं कह सकती हूँ, और जो जो भी इन्होंने अपनी लाइफ में सीखा या लर्न किया, हासिल किया, अब इनको लगने लगा है कि दोज थिंग्स आर नॉट इनफ, इनके लिए कुछ और चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं जो कभी ये समझ नहीं पाए थे। तो दैट इज़ वाई आपके पर्सन इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, या फिर अंडरस्टैंड करेंगे बहुत जल्द बीइंग द चैरियट, और तब शायद इन्हें पता चलेगा कि आप इनके लिए कितने इम्पॉर्टेंट हो। तो फीलिंग्स के साथ भी मैं यही कहूँगी कि आपके लिए ये लव वाली फीलिंग्स तो फील करते हैं, लेकिन फिर भी ये कहीं ना कहीं खुद को
रेजिस्ट कर रहे हैं या फिर और ज़्यादा लर्न करना चाहते हैं, तब तक शायद ये आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ना चाहते, ये मैं चीज़ देख रही हूँ। क्योंकि हमने द हर्मिट एंड द टावर दोनों एनर्जी साथ में देखी हैं और ऑफकोर्स ये टाइम लेना चाहते हैं, इनको टाइम चाहिए और मोर ओवर एक लोन टाइम चाहिए, ये अकेले रहना चाहते हैं, एक स्पेस चाहिए इन्हें। ऑन दी अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज यहाँ पर डॉलर ऑफ सोर्ट्स, एस ऑफ वॉन्ट्स, नाइन ऑफ सोर्ट्स एंड सन ऑफ वॉन्ट्स। तो ऑफकोर्स जैसे कि मैंने कहा कि आप भी बहुत कुछ यहाँ पर शायद एनालाइज कर रहे हो, आप अपने लेवल्स पर बहुत कुछ अंडरस्टैंड कर रहे हो और यही वजह है कि आप अपने पर्सन से क्लियर वेज में कम्युनिकेट कर पा रहे हो। जिस इंसान को पता होता है कि उसे अपनी ज़िंदगी में क्या चाहिए, वही पर्सन सामने वाले से एक क्लियर वे में कम्युनिकेशन कर सकता है। गाइस रिमेंबर दिस थिंग। तो यही वजह है कि आप क्लियरली इसलिए कम्युनिकेट कर पा रहे हो क्योंकि कहीं ना कहीं यू गाइस नो के आपने जाना कहाँ है, आपको कहाँ पर रीच होना है। तो इसीलिए आपको किसी तरह की कोई लाइक फियर नहीं होगी, किसी तरह का कोई आपको डर नहीं होगा, टेंशन नहीं होगा। हाँ, एक चीज़ ज़रूर आपको परेशान करती होगी कि वॉट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन। फ्यूचर को लेकर अगर आप टेंस्ड हैं तो मैं वो 100% समझ सकती हूँ, लेकिन क्योंकि आपने अपनी कमर कस ली है और मैंने आपको बताया यू गाइज आर मैनिफेस्टिंग समथिंग हियर, तो वो जो भी वरीज हैं वो शायद टेम्परेरी होंगी आपके लिए और आप वापस से खुद को कम बैक करवा लेते हो। तो ये चीज़ मैं देख रही हूँ जो कि आपकी एनर्जीज बहुत ही क्लियरली यहाँ पर शो हो रही हैं। अब देखते हैं हाउ द फ्यूचर एनर्जीज आर गोइंग टू गेट प्रोसीडेड। तो यहाँ पर द मैजिशियन, सेवन ऑफ कप्स, मदर ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ कप्स, द मून, फादर ऑफ कप्स एंड सिक्स ऑफ सोर्ड्स। तो मैंने आपसे बताया भी कि आपके पर्सन एक हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं, दे आर जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड सो मैनी थिंग्स हियर। और अगेन यहाँ पर द मून टॉक्स अबाउट कि इनके डार्क सबकॉन्शियस पर बहुत कुछ एक तरह से ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, रियलाइजेशन हो रही है, एक डीप नोइंग में ये जा रहे हैं और जिसके चलते आपके पर्सन बहुत कुछ अंडरस्टैंड कर सकेंगे। दे आर बीइंग द फादर ऑफ कप्स हियर, यानी कि टॉक्स अबाउट द किंग ऑफ कप्स। और किंग ऑफ कप्स जब कोई इंसान बन रहा होता है या फिर इन एनर्जीज में आ रहा होता है तो उसको अपने डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरना ही होता है, एक हीलिंग प्राप्त करनी होती है। तो आपके पर्सन आपकी तरफ अगर कम बैक कर भी रहे हैं गाइस, तो बहुत कुछ ये आपके सामने हिडन रखेंगे या फिर आपकी तरफ जो भी इनका एक अप्रोच रहेगा वो एक लर्निंग वेज में ही रहेगा। ये और भी बहुत कुछ आपसे जानना चाहेंगे और शायद यही वजह है कि ये आपको बहुत सारे टेस्टिंग टाइम्स में डालकर देखेंगे। जब कोई इंसान कुछ लर्न करना चाहता है ना, तो आइदर क्वेश्चंस ज़्यादा करता है या फिर टेस्टिंग टाइम्स में डालकर देखता है, क्योंकि उसको देखना होता है कि ये जो पर्सन है ये मेरे लिए लॉन्ग रन में सही रहेगा या नहीं। और इन सारी टेस्ट ऑफ टाइम में ये खुद को बैलेंस कर पाता है या नहीं, मतलब आप यहाँ पर जीत सकते हो या नहीं, ये जिस तरह का भी टेस्टिंग आप पर रखेंगे गाइस, उन सारी चीज़ों में आप एक तरह से जीत पाओगे या नहीं, आपके पर्सन शायद ये देखना चाहेंगे। बीइंग द मैजिशियन हियर, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कह सकते हैं ना इंटेलिजेंट पर्सन होंगे, इन्हें पता है कि सामने वाले पर्सन को कैसे ट्रिक करना है। फाइन, जब इवन हम यहाँ पर मैजिशियन की बात कर रहे हैं तो आपके पर्सन छल रखना बहुत अच्छे से जानते होंगे कि आपको इस तरह से ट्रिक कर जाएंगे कि आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन क्योंकि आप एक हाई प्रिस्टेस हो और हमने देखी थी आपकी एनर्जी, इसलिए शायद आप इनके उस छल में पूरी तरीके से ट्रैप नहीं होते होंगे, आप इनको बहुत ही डीप लेवल्स पर अंडरस्टैंड करते हो। और यही वजह है कि आपके पर्सन इस बात से बहुत ज़्यादा सरप्राइज हैं या शॉक्ड हैं कि ऐसे कैसे हो रहा है ये। फाइन, कि इस पर्सन को मैं क्यों अपने ट्रिक्स में ट्रैप नहीं कर पा रहा हूँ या फिर मैं खुद ट्रैप होता जा रहा हूँ यहाँ पर। तो ऐसी बहुत सारी इनकी इनसिक्योरिटीज़ हैं जिन्हें ये खुद से रिजॉल्व करेंगे गाइस। और मैंने बताया था कि अपने पास्ट लाइफ से बहुत कुछ लर्न करेंगे, इवन पास्ट लाइफ भी मैं कह सकती हूँ, अगर आप दोनों का पास्ट लाइफ का एक कनेक्शन है तो ज़रूर ये वहाँ से भी बहुत सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकेंगे। क्योंकि द मून अगेन टॉक्स अबाउट द सीक्रेट या फिर मिस्ट्रियस थिंग्स, तो आपके पर्सन बहुत सारी मिस्ट्रीज़ को यहाँ पर रिजॉल्व करेंगे, बहुत सारी चीज़ों को लर्न करेंगे
और आपके तरफ अगर ये एक्शन में भी आ रहे हैं तो रिमेंबर वन थिंग गाइस, ये आपकी तरफ आइदर कोई क्वेश्चंस रखेंगे या फिर ये आपको किन्हीं टेस्ट ऑफ टाइम में डालकर देखना चाहेंगे, एक तरह से कंफ्यूज करेंगे आपको। कंफ्यूज इस तरह करेंगे कि ये आपका नेक्स्ट एक्शन देखना चाहेंगे कि आप किस तरह से यहाँ पर एक्ट करते हो, क्या आपका रिएक्शन रहेगा। तो जस्ट बीवेयर ऑफ दीज थिंग्स गाइस कि आपने कैसे एक्ट करना है। एक्ट करने से पहले आप थोड़ा सा सोचिए, फिर इनके हर एक सवाल का जो भी जवाब आप देना चाहते हैं तो वहाँ पर आप अपनी इवन इंट्यूशन के साथ साथ अपना एक इंटेलेक्चुअल माइंड का इस्तेमाल करते हुए आप इन्हें वो जवाब दे सकते हो। फाइन, तो यही था आज के शिफ्ट में आप सभी के लिए। अगर आप अपने पर्सन के बारे में इन डेप्थ इन डिटेल्स जानना चाहते हैं तो आप मुझसे प्राइवेट सेशंस ले सकते हैं गाइस। प्राइवेट सेशंस के लिए आप मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। आपके पर्सन की एग्जैक्ट फीलिंग्स आपके लिए क्या कहती हैं ये हम एक चैनल सॉन्ग के थ्रू ज़रूर जानेंगे गाइस। चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो और इंस्टा आईडी का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। ऑलराइट गाइस, तो चलिए मिलते हैं अपने अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय बाय।